तो स्वागत है गाइस आप सभी का पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट द वर्ल्ड एंड में। और आज हम मिशन नंबर 3 करेंगे पोर्ट रॉयल। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। तो अभी देखिएगा, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये गया तो काफ़ी यूनिक स्टाइल में हमने ऐसे किल किया है। ओ तो जी, हमें बच के निकलना है यहाँ से। तो जी, जो जो ड्रामा जैक स्पैरो करता है मूवी में, वो आपको इस गेम में भी देखने को मिलेगा। नाइस यार, मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। आगे चलते हैं। वो हमारी वांटेड की तस्वीर, जैक स्पैरो। तो हमें कुछ कैदियों को छुड़ाना है। फिलहाल इससे लड़ते हैं। जा इधर आ जा। ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग गया ना। अभी एक कीबोर्ड का एंगल, मैं सही से खेल नहीं पा रहा हूँ कीबोर्ड से। एक और है, ये शायद एलिजाबेथ स्वान है। उसकी हमने तस्वीर अभी वांटेड की निकाल दी। ऑल राइट, सो स्टॉप रेड कोट फ्रॉम राइजिंग द अलार्म। यानी हमें ये रेड वाली जो कोट पहना है इन लोगों ने, इसे रोकना है हमें बेल बजाने से। अगर ये बेल बजा देते हैं तो गेम ही ख़त्म हो जाएगा भाई। तो हमेशा आप ब्लू वाले को नहीं, रेड वाले को रोकिए, क्योंकि वो ज़्यादा 90% तो वही बेल बजाते देते हैं। तो अगर बेल बजा देते हैं तो फिर गेम आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर शुरू से आपको खेलना पड़ेगा। अरे यार, ये साइन भी जल्दी आता है नहीं। हो गया, तो अभी तो एक बार और हमें ये करना पड़ेगा।
एक सेकेंड रुक जाओ भाई, इससे हमें छुड़ाना है। जो टमाटर खा रहा है ना, पब्लिक पीट रही है इसे, वो फिर आ गए। तो रेड वाला कहाँ गया, इसे रोकना है हमें। ये तो वो जा रहा है, ये रोकना है हमें। रुक जाओ, अगर आप देखें तो ब्लू वाला ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है अब। ठीक है, ये ख़त्म। तो अब हो गया जी हमारा, अब कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या करना है हमें, और हमें कैदियों को छुड़ाना है। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि माउस तो होता नहीं है, कीबोर्ड से आपको खेलना पड़ता है। तो मुझे भी ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा था, ये प्लेस कहाँ पे है। तो चलो जी, कैदी छूट गए हैं। कुछ है इधर, चिकन विकन नहीं। देखो टमाटर खा रहा भाई अभी तक, इससे बचाना पड़ेगा अब हमें। कुछ और बचा, हाँ ये इससे भी कर देते हैं खत्म। तो अब हमें एकदम पीछे जाना है जहाँ से गेम की शुरुआत हुई थी। वो देखो, तू मारेगा मुझे, जैक स्पैरो को मारेगा। यार रस्सी रस्सी से आएगा। काफी आ गए यार पीछे पीछे भाई, पीछे पीछे। चिकन दे जा, चिकन चिकन पीछे, चिकन मुझे लेने दे भाई, अब चिकन लेने दे, बता रहा तुझे बस। अब ठीक है, सावन में चिकन खा रहा हूँ। खैर जैक स्पैरो खा सकता है, समुद्री लुटेरा है ना। यहाँ पे एक और आएगा शायद। हाँ और ये है एलिजाबेथ स्वान का फादर। आ जाओ, एक बार में खत्म कर दूंगा तुम लोग को। तो हमें एटलीस्ट 100 सेकंड तक फाइट करना है इन सबसे, जब तक कि ये जहाज़ इन सारे जितने भी डब्बे हैं इन सबको तोड़ ना दे।
ये ब्लैक पर्ल जहाज है ना, मूवी में दिखाया गया कि ब्लैक पर्ल जहाज कभी किसी से हारी नहीं होती है, या फिर कोई ऐसा जहाज होता जो कभी किसी से हारती नहीं है। चल भाई भाग जल्दी, फाइट नहीं करना है हमें, फाइट नहीं करना है हमें, सिर्फ निकलना है। हल्का फुल्का मार के इनको निकलो, फोड़ो यार जल्दी, टाइम नहीं है। एक तो ये चिकन भी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। चल भाई भाग यहाँ से जा, तो ये आखिरी है, इसके टूटने के बाद हम भाग सकते हैं। भाग जा भाई, हो गया हो गया हो गया। तो अब नहीं आ पाएंगे ये लोग, और हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है पोर्ट ट्रायल। तो गाइस हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।